भारतीय फिल्म्स के हवाले से संजय लीला भंसाली का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं। हीरोइन की खूबसूरती को नफासत के साथ पर्दा स्क्रीन पर मुंतकिल करने का फन वो बाखूबी जानते हैं। जैसे उन्होंने ऐश्वर्या राय की खूबसूरती को फिल्म हम दिल दे चुके सनम में चार तो किया, कई चांद लगाकर पेश किया। बाजीराव मस्तानी और पद्मावती में दीपिका का हुस्न देखने से ताल्लुक रखता है। भंसाली की एक और चमकती दमकती खूबसूरत फिल्म देवदास, जिसमें उन्होंने एक म्यान में दो तलवारों के ना रह सकने के मुहावरे को गलत साबित करते हुए एक ही फिल्म में दो हसीनाओं के हुस्न को बड़ी ही खूबसूरती के साथ समोकर दिखाया। बाजीराव मस्तानी में भी दो हसीनाएं दीपिका और प्रियंका इकट्ठे थीं, पर प्रियंका के काशीबाई के किरदार को एक ही मखसूस अंदाज देने की वजह से इस फिल्म में ग्लैमर का वो तड़का ना लग सका जो फिल्म देवदास में माधुरी और ऐश्वर्या राय की सूरत में लगा। ऐश्वर्या के किरदार में मोहब्बत की मस्ती थी तो माधुरी की अदाएं मस्त कर देने वाली थी। ऊपर से माधुरी के रक्स के दिलकश अंदाज ने माधुरी के किरदार चंद्रमुखी को ऐश्वर्या के किरदार पारों से कहीं ज़्यादा पावरफुल बना दिया। इसलिए अगर देवदास 2 बनाई जाए तो पारों का किरदार कोई भी खूबसूरत हीरोइन कर सकती है, लेकिन चंद्रमुखी का किरदार वही अदाकारा बेहतरीन तरीके से कर सकती है जिसका अंदाज कातिलाना और रक्स शायराना हो। और आज के दौर में ये खूबियां हैं सिर्फ और सिर्फ दीपिका में। इसलिए अगर देवदास 2 बनाई जाए तो इसमें चंद्रमुखी का किरदार बेहतरीन तरीके से दीपिका ही अदा कर सकती हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।